अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे किचन में सर्दी की एक बेहतरीन डिश बन रही है और वो है आलू के पराठे, जिसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूं। 4 से 5 अदद आलू लेने हैं हमने, एक छोटी दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, एक लहसुन का जवा और एक एक चम्मच धनिया पुदीना चॉप किया हुआ। मसाले जो हमें इसमें डालने हैं, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया साबित और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हसबे जायका। आलू को हमने इस तरह हाथ से मैश कर लेना है और इसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाथ से आप इसको अच्छी तरह मसल सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे बॉयल हुए हुए होते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कूटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जनाब, हमने हाथ से इनको मैश कर लिया, चेक कर लिया इसमें कोई साबित तो नहीं रह गया। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्चें, प्याज और ये तमाम लहसुन और धनिया पुदीना डाल देंगे। ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो रहा है, पेस्ट रेडी हो रहा है, सॉरी, आलू का जो हमने पराठे में ऐड करना है। ये मसाले हमने इसमें सारे डाल दिए हैं, धनिया, जीरा, लाल मिर्च और नमक, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन भी इसमें ऐड होती है, लेकिन अब हमारे घर में अभी अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए हमने ऐड नहीं की है। और ये हमारा पेस्ट जो है वो आलू का तैयार हो चुका है। अब हम आटा गूंद लेते हैं पराठे बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा हमने ले लिया है, नमक इसमें हमने थोड़ा सा ऐड किया है और तेल हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे पराठे अंदर से सॉफ्ट रहें और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। तो ये अब हम अच्छा सा अपना आटा गूंद रहे हैं, और आटा गूंदने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि एक पानी जो है वो आप थोड़ा नीम गर्म लें, जिससे क्या होगा कि आपका आटा बहुत अच्छा गूंदेगा और अगर आप फ़ौरन भी रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी, सख्त नहीं होगी और अच्छी सी रोटी बन जाएगी। आटा गूंदने का पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस तरह से अपने पराठे के लिए आटा गूंदना है, क्योंकि इसमें हम पेस्ट ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी रोटी जो है वो अक्सर टूट जाती है। तो जनाब ये देखिए, ये हम पेड़े बना रहे हैं, पेड़े हमने जो है वो बना लिए हैं अपने पराठे के लिए। आप इनका साइज़ चेक कर लीजिए, ये देखिए, ये ज़्यादा मोटे पराठे नहीं बनाने हमने, पतले बनाने, तो थोड़ा छोटा पेड़ा लेंगे। और ये पहली रोटी हमने जो है वो बेल ली है, दूसरी भी बेल ली है। अपनी रोटी में आलू का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, अच्छी तरह तमाम साइड्स पे आपने आलू का पेस्ट लगाना है ताकि कहीं से भी पराठा खाली ना हो, तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए जनाब, ये हमने बहुत अच्छे से इसमें पेस्ट में, अब हम इस पर अपनी दूसरी रोटी रखेंगे और ये हमारा पराठे का तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह बेल लेंगे रोटी को, और जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, अपने तवे के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक, आपको जैसा पसंद है, छोटा पराठा, बड़ा पराठा, वैसे बनाएं, बस पतला बनाएं, ज़्यादा मोटा मत बनाएं। उससे क्या होता है कि वो फिर खाने में मज़ेदार नहीं होता और जल्दी से वो पकता भी नहीं है, अंदर से कच्चा रह जाता है, रोटी जो है वो मोटी मोटी सी मुँह में आ रही होती है। ये हमने अब अपना दूसरा पराठा बनाना शुरू कर दिया है। ये हमने इसमें रोटी में जो है पेस्ट ऐड कर लिया, ये आप देखिए हमने अच्छी तरह पेस्ट ऐड किया, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी है, वरना फिर वो खाली जगह मुंह में आती है तो मज़ेदार सी बात नहीं रहती है, हमारी रेसिपी सारी जो है वो फॉल हो जाती है। ये देखिए जनाब, ये हमने रोटी हमारी एक साइड से डन हो गई है, हमने पलट दी है और इस पर हम घी लगा रहे हैं। घी लगाने के लिए आपने क्या करना है, अपने हाथ से ही रोटी के तमाम साइड्स पे घी अच्छी तरह स्पून से या हाथ से जो है वो ऐड कर देना है। ये देखिए जनाब, ये हमारा जो है वो घी हमने इसमें ऐड किया है। अब हम अपनी रोटी को थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह इसके सब तमाम साइड्स पे घी। ये जनाब देखिए, हमारा पराठा जो है वो इतना बेहतरीन सा रेडी हो गया है। कलर चेक करें, क्रिस्पीनेस चेक करें, पराठे की बेहतरीन सा ये पराठा है, और सर्दी में गर्मा गर्म पराठे की क्या ही बात है। तो जनाब ये देखिए, पराठा हमारा रेडी है, अब हम जो है वो इसको सर्व कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये हमने दूसरा पराठा अपना तवे पर डाल दिया है जो हमने पहले बेल लिया था, और अब हम इसको पकाएँगे। साथ ही हम जो है वो अपने तीसरे पराठे की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, बस आप साथ साथ जो है वो बनाते जाएं, एक को चूल्हे पे रखें, दूसरे को बनाएं, इंस्टेंट काम होता है और बेहतरीन से हमारी पार्टी तैयार है पराठे की। ये अब हम अपने पराठे को, दूसरे पराठे को घी लगा रहे हैं, और
वही तरीका अपनाएंगे, स्पून से अच्छी तरह इसकी तमाम साइड्स पे खुद भी घी लगाना है, और फिर इसको फौरन आपने जो है वो पलट देना है ताकि इसकी दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह घी लग जाए और कोई जगह हमारी जो है वो खुश्क ना रहे। ये देखिए जनाब, ये हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है। खाइए, रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेहतरीन सी ये रेसिपीज़ जो हैं वो मिलती रहें, और ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी आलू के पराठे की कैसी लगी। ये देखिए जनाब, क्रिस्पी सा ये पराठा है, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा है। ये देखिए जनाब, पूरी हमारी लेयर जो है वो मौजूद है पराठे की, अंदर से भी ये डन हो चुका है। और ये हमारा पराठा, ये देखिए जना, चेक कर लिया जी आपने, बेहतरीन सा ये पराठा है। खाइए, इंजॉय कीजिए और ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।